मेटाफिजिक्स एक ऐसा शब्द है जिसको लोगों को लगता है कि भाई कुछ अखंड रियलिटी ही चल रही होगी, इस रियलिटी के परे कुछ अलग ही लेवल की भसड़ चल रही होगी, जो आइंस्टाइन नहीं कह पाए, जो न्यूटन बाबा न्यूटन नहीं कह पाए, उसके कुछ बियॉन्ड चल रहा होगा, भूत प्रेत की दुनिया होगी। नहीं मेरे बच्चे नीचे आओ, नहीं, यही एरिस्टोटल कहते थे। एरिस्टोटल कहते थे, क्या कहते थे एरिस्टोटल? एरिस्टोटल कहते थे मेटाफिजिक्स को विजडम फर्स्ट फिलोसफी थियोलॉजी और फर्स्ट साइंस, कि पहले नेचुरल वर्ल्ड को पढ़ो, पहले इस दुनिया को पढ़ो, देन मूव बियॉन्ड टा मेटा टा फिजिकल, मूव बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी। एक वार्निंग थी स्टूडेंट्स के लिए, एक उनको चेतावनी थी, पहले यहाँ के बारे में पढ़ो तब पहुंचो मेटाफिजिक्स में, तब पहुंचो आगे, तभी प्लेटो और एरिस्टोटल बाबा की भसड़ चलती थी। लोगों को क्या लगता था? लोगों को लगता था नहीं भैया बहुत खास्ट बहुत गहरे संबंध थे दोनों के। नहीं, प्लेटो बाबा कहते थे कि एक एक अनचेंजिंग, एक अनचेंजिंग फोर्स है, एक इमूवेबल फोर्स है, एक अलग दुनिया है। एरिस्टोटल बाबा कहते थे भैया प्लेटो बाबा नीचे आइए, पहले इस दुनिया के बारे में तो जानिए, तब मूव बियॉन्ड करिएगा। वही था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। तो बॉस एक और लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स पे बहुत लेक्चर्स कंपाइल हो रहे हैं, थ्योरीज ऑफ मेटाफिजिक्स पे भी हुआ है, मेटाफिजिक्स इन जनरल पे भी हुआ है। सबसे पहले तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, 1000 सब्सक्राइबर्स हमने पूरे करे एक साल के अंदर अंदर, 10 महीने के अंदर अंदर, 9 महीने में, कोई याद नहीं कब स्टार्ट किया था ये चैनल, बट अभी एक साल हुआ नहीं है पूरा, और वी हैव हिट 1000 सब्सक्राइबर्स। ग्रोथ अच्छी है, तगड़ी है। शुक्रिया जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक किया, कॉमेंट किया, शेयर किया, तहे दिल से, दिल से प्यार आप लोगों के तरफ। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स, होपफुली तगड़े लेक्चर आने शुरू होंगे अब। क्यों? क्योंकि मेरे को ये प्रॉमिसिंग लगने लग गया चैनल। पहले मैं कर रहा था, मेरे को एकेडमिक फिलॉसफी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर्टिकुलरली क्लासिकल फिलॉसफी में, क्लासिकल मेटाफिजिक्स और तुम्हारी अपिस्टोमोलॉजिकल स्टडीज़ और तुम्हारी एकेडमिक फिलॉसफी इन जनरल। मैं थोड़ा एग्जिस्टेंशलिज्म से ज़्यादा रिलेट करता हूँ, थोड़ा पोएटिक फिलॉसफी टाइप, लिटरेचर फिलॉसफी टाइप जो होती है, बट स्टिल प्रॉमिसिंग लग रहा है। लोगों लोग DM में आके इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि मज़ा आ रहा है उनको, कंटेंट में मज़ा आ रहा है, और कंटेंट लाइए, तो ले आए हम आपके लिए और बहुत तगड़े वीडियोस। होपफुली एक दो महीने में बहुत लेक्चर आने वाले हैं। अब यहाँ पे मेटाफिजिक्स के बारे में एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भाई मेटाफिजिक्स है क्या। मेटाफिजिक्स, मैंने एक लेक्चर में ये भी कहा था कि बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब तुम्हारी फिजिक्स। अब फिजिक्स वो वाली फिजिक्स नहीं कि तुम्हारी जो आइंस्टाइन ने फिजिक्स दे दी, नील्स बोर ने फिजिक्स दे दी, तुम्हारे न्यूटन ने, न्यूटन बाबा ने जो फिजिक्स दे दी, तो न्यूटन वगैरह की फिजिक्स नहीं। ये फिजिक्स है द फिजिकल रियलिटी। अब मेटाफिजिक्स में क्या होता है, 20th सेंचुरी के कुछ शब्द हैं जैसे मेटाफिलॉसफी, ठीक है, मेटाफिलॉसफी, मेटा लैंग्वेज, इन कुछ शब्दों को लेके लोग जो हैं कंफ्यूज होते थे। और हाँ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी और अनाउंसमेंट ये देना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर होते हैं, ये लेक्चर मैं ना तो अपनी बुद्धि से बना रहा हूँ, ना तो मेरे पास बचपन से ज्ञान था, किसी इंसान के पास दुनिया में, किसी माइकल लाल के पास वो ज्ञान नहीं होता। पढ़ के, रिसर्च करके, बहुत सारी सोर्सेज से पढ़ के, वहाँ एक जगह कंपाइल करके मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। मेरे लेक्चर का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने को इंटेलेक्चुअली बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को फिलॉसफी आती है। मैं लेक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो लोग जिनको दिक्कत होती है फिलॉसफी समझने में, फिलॉसफी को अप्रिशिएट करने में, जो पढ़ नहीं पाते, जिनको नींद आती है, जैसे मैं किसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि मेहनत करके एक जगह सारे रिसोर्सेज पढ़ के एक लेक्चर में उनको कंपाइल करने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा मेन मुद्दा, मेन गोल है, टू पुट आउट फिलॉसफी टू द मासेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत लोग गलत माइंडसेट से इस चैनल के ऊपर आते हैं। आई डोंट नो वो हिपोक्रेट होते हैं, वो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको अंदर में क्या चल रहा होता है, उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, इंटेलेक्चुअल इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, बट गंदगी करके जाते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए, फिलॉसफी पढ़ने आए हैं, फिलॉसफी पढ़ें, गंदगी ना करें। मेटाफिलॉसफी, मेटा लैंग्वेज, ये जो शब्द थे, इससे मेटाफिजिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ कि भाई सबको ये लगने लगा कि मेटाफिजिक्स तो मतलब होगा कि बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड जो आइंस्टाइन न्यूटन और तुम आइंस्टाइन न्यूटन और तुम्हारे हाइजेनबर्ग हो गए, श्रोडिंजर हो गए, नील्स बोर हो गए, ये लोग कह रहे थे। लेकिन मेटाफिजिक्स जो है,
वो एक कंपाइलेशन है। किस चीज़ का कंपाइलेशन है? 14 किताबें, ये कंपाइलेशन है 14 बुक्स, 14 किताबें एरिस्टोटल की। किसकी? एरिस्टोटल की 14 किताबें, जिसमें वो डायरेक्टली मेटाफिजिक्स कह भी नहीं रहे थे, लेकिन जब गुजर चुके हैं एरिस्टोटल गुजर चुके, तो 100 साल बाद एक कंपाइलर आया उनकी किताबों का, जिसका नाम था एंड्रोनीशियस ऑफ रोड्स, एंड्रो NICUS ऑफ रोड्स, जो रोड्स जगह होगी ऑब्वियसली एंड्रोनीशियस नाम, और उसने ये पर्टिकुलर नाम दिया। क्या नाम दिया? टा मेटा टा फिजिका, ये उसने नाम दिया, विच मीन्स द वंस आफ्टर द फिजिकल वंस। अब एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने पर्टिकुलरली वो मेटाफिजिक्स से नहीं कहते थे अपनी कोई भी स्टडी को, चार चीजों से उन्होंने उसको कंसिडर किया, विजडम, फर्स्ट फिलॉसफी, थियोलॉजी और फर्स्ट साइंस। ये एरिस्टोटल इस चीज़ से कंसिडर करते थे, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया टा मेटा टा फिजिका, विच इज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी, द वन विच इज़ बियॉन्ड। अब एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, ये जो मेटाफिजिक्स थी एरिस्टोटल के द्वारा दी गई, और जो एंड्रोनीशियस ऑफ रोड्स ने बोला, वो किसी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं थी, वो एक वार्निंग थी, वो वाली मेटाफिजिक्स एक वार्निंग थी कि भाई मेटा मैंने हम लोगों ने लगाया ही है कि पहले इस दुनिया की फिजिकल रियलिटी के बारे में मास्टर कर लो, फिर बियॉन्ड मूव करना, क्योंकि हमेशा प्लेटो कहते थे कि देर इज़ एन इमूवेबल फोर्स और देर इज़ अ अनचेंजिंग रियलिटी बियॉन्ड दिस रियलिटी। तो एरिस्टोटल बाबा कहते थे भैया नीचे आ जाए, प्लेटो बाबा पीछे आ जाए। बहुत लोगों को लगता है प्लेटो एरिस्टोटल बहुत गहरे संबंध थे, नहीं, दोनों में अनबन चलती थी। क्यों? एरिस्टोटल बाबा कहते थे भैया नीचे आ जाए, पहले इस रियलिटी के बारे में जाने, फिर मूव करे बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड द फिजिकल रियलिटी विच इज मेटाफिजिक्स। तो ये एक वार्निंग थी स्टूडेंट्स को कि पहले यहाँ के बारे में पढ़ लो, फिर बियॉन्ड मूव करना। तो उनका मेन मुद्दा क्या था, कि ये तभी पढ़ना या मेटाफिजिक्स तभी पढ़ना जब तुम मास्टर कर लो द फिजिकल वंस, जब तुम ये मास्टर कर लो तब पहुंचना मेटाफिजिक्स के ऊपर। और फिजिकल वंस क्या थी? इस नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बातें। फिजिकल मतलब फिजिकल, इस नेचुरल वर्ल्ड में क्या स्पेसिफिक एक चीज़ है जो इस नेचुरल वर्ल्ड को या इस वर्ल्ड, इस दुनिया को अलग बनाती है? विच इज़, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस, हर वक्त बदल रही है दुनिया, वक्त बदल रहा है, लोगों के जज्बात बदल रहे हैं, लोगों के नज़रिए बदल रहे हैं, लोग अपने आप में बदल रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। तो उसको कहा गया कि पहले फिजिकल वंस को मास्टर करें, फिर बढ़े भैया मेटाफिजिक्स पे। फिर ये सब तो यहाँ पे भसड़ चल रही थी मेटाफिजिक्स की, फिर आए आपके कॉन्टिनेंटल फिलोसफर्स। इन्होंने क्या किया? इनका प्रोमिनेंट काम 17वीं और 18वीं शताब्दी में इनका प्रोमिनेंट काम था। इन्होंने मेटाफिजिकल थ्योरीज देने की कोशिश करी और इलैबोरेट किया मेटाफिजिक्स को बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी। अब आप समझ गए होंगे, मेटाफिजिक्स को बहुत लोग समझते हैं कि भैया भूत प्राणी से रिलेटेड होगा, सुपर नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड होगा, कुछ बियॉन्ड दिस फिजिक्स, इंटरेस्टिंग, अखंड, अलग ही लेवल का कुछ भसड़ होगी। नहीं, जो इस रियलिटी के परे है, इन द सेंस कि जब हम इस रियलिटी को पढ़ लेंगे, ये पर्टिकुलर रियलिटी, तब हम टा मेटा टा फिजिका होंगे, मतलब उस फिजिकल रियलिटी के बाद जाएंगे। तो तब तक एरिस्टोटल अपनी भाषा में कहते हैं, जब तक तुम इस रियलिटी को मास्टर नहीं कर लेते तब तक आगे मत बढ़ो। दिस इज द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स था। इस शब्द को, मेटाफिजिक्स को, लोग क्यों कन्फ्यूज करते हैं, कैसे कन्फ्यूज करते हैं, उसके ऊपर लेक्चर को ध्यान से वापस से सुनना अगर नहीं समझ में आई। और अब हम कटते हैं, आप भी कटिए, मिलेंगे आपसे किसी और लेक्चर में। ठीक है भैया, लग जाओ काम पर।